जी नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई सऊदी अरबिया से रिलेटेड, और भाई सऊदीया की तो एक एग्जांपल है, बाकी गल्फ कंट्रीज में सभी पे ये नियम लागू होता है। जी हाँ साथियों, विस्तार से बताएंगे कि क्या किसी को अपनी आईडी डॉक्यूमेंट चेक वगैरह देने से हमारे साथ क्या नुकसान हो सकता है, क्या धोखा हो सकता है, या फिर एक्स वाई जेड कोई भी आपका आईडी प्रूफ जो आपकी पहचान होती है उसका दूसरा आदमी किस तरह से मिसयूज कर सकता है, आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। जी हाँ, पूरी डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो बता दूं साथियों, दुबई का मामला है, यूएई दुबई में। जी हाँ, अफ्रीकन खासतौर से आप ध्यान रखना, ये अफ्रीकन लोगों में आपने पता है ये नाइजीरिया वगैरह यहाँ पे ऐसे चीज़ें ज़्यादा हैं, चोरी लूट खसोट आपको सबको पता है। जो अफ्रीका वगैरह जाते हैं उनके साथ भी वहाँ के फर्स निकाल लेते हैं, मोबाइल वगैरह चोरी कर लेते हैं। तो अफ्रीकन लोगों का भाई थोड़ा सा ध्यान आपको यूएई में भी रखना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि ये मैंने एक एनालाइज किया है पिछले एक साल से, जितने भी यूएई में स्कैम, ऑनलाइन स्कैम फ्रॉड या फिर कोई भी पैसों के लेन देन से रिलेटेड कोई भी फ्रॉड है, वो में 80-90% लोग अफ्रीकन लोगों का हाथ होता है। जी हाँ, और मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में गल्फ कंट्रीज इनको बैन कर देगी। जी एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपके परिवार में या मान लीजिए हमने किसी पड़ोसी की चोरी कर ली एक बार दो बार, आगे आने वाले टाइम में अगला अपने को अपने घर में नहीं घुसने देगा, क्योंकि उसको पता लग जाएगा ये चोर है। तो एक कुछ लोगों की वजह से पूरी कंट्री को बैन का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, आपको पता है काफ़ी सारी एक ऐसी अपने पड़ोसी देशों को भी बहुत सारी कंट्रियों ने बैन कर दिया इसी वजह से। जी हाँ, तो कुछ ऐसा हो सकता है। मामला है सऊदी अरब दुबई का मामला है, इसमें अफ्रीकन एक बंदा था, उसका कोई साथी था, उसके नाम से कोई डॉक्यूमेंट, कोई बैंक का कोई लफड़ा था, कोई चेक वगैरह का, तो जाली उसकी आईडी लेके खुद बैंक में चला गया पैसा लेकर। उस बंदे को पता ही नहीं लगा कि अपनी आईडी कौन इस्तेमाल कर रहा है। जी हाँ, चेक जमा हो गया, आईडी वगैरह वहाँ पे दे दी, बैंक कर्मचारी को पता लगा कि यार ये खुद बंदा वो नहीं है जिसके नाम से चेक है। उसने उस बंदे को फ़ोन करके वापस बुलाया, कोई मिस्टेक बाय मिस्टेक कोई हो गया रिटर्न करने के लिए। फिर एक तरफ उसने पुलिस को फोन कर दिया तो पुलिस उसको अरेस्ट कर लिया। जी हाँ, तो उन्होंने बताया कि 3.5 लाख दुबई दराम का मैटर था, धोखे से उसकी आईडी चेंज करके क्लोन करके खुद वो पैसा चेक वाला हड़पना चाह रहा था। जी हाँ, तो भाई ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है। पुलिस ने उसको पकड़ लिया, उसके डॉक्यूमेंट थे वो साथ में लगा के फाइल करे, और उसने आपको सबसे बड़ी बात यह कि उसकी इंट्रोगेशन में वो कबूल भी कर लिया। मार पड़ती है तो सब कबूल करते हैं कि भाई ठीक है मैंने ये गलती करी है, केस मुकदमा लगेगा, डिपोर्ट हो जाएगा, ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। वहाँ के सोशल मीडिया में, अखबार में, टीवी में न्यूज़ आ गए हैं ना कि अफ्रीका का बंदा, तो एक कंट्री बदनाम होती है। तो मैं तो बार बार रिक्वेस्ट बोलूँ भाई, आप कोई भी कंट्री के हो, आपका पड़ोसी कोई गलत कर रहा है, आपको वो दिख रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है वहाँ पे उसको या तो मान ले वो आपका कहना या फिर उसको समझाएं। तो उसकी फिर अगर नहीं माने तो भाई शिकायत करना आपके पास ऑप्शन बनता है, क्योंकि अगर इसी तरह से मामले बढ़ते रहें तो एक दिन वो कंट्री की नज़र में आ जाता है, देश की नज़र में आ जाता है कि इस दिन देशों के आदमी सही नहीं है, यहाँ पे चोरी करते हैं, यहाँ पे गलत काम करते हैं वगैरह वगैरह, तो फिर वो कंट्री उनको स्टिक कर देती है, बैन कर देती है। और आप एग्जाम्पल उठा के देख सकते हैं, कई देशों को कई कंट्रियों ने बैन कर दिया, वो बेचारे मजदूर आदमी वहाँ काम करने नहीं जा सकते। तो मैं नहीं चाहता हमारे देश का इंडियन आदमी वहाँ जाके कुछ गलत करे और उसकी वजह से आपको नीचा देखना पड़े। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सेम वैसे ही जैसे आपके घर में आपका भाई कोई गलत कर रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी यह बनती है कि आप उसको रोके, समझे, नहीं माने तो फिर उसका आप इलाज करें। समझ गए होंगे मेरी जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के टॉपिक पे। जय हिंद, वंदे मातरम।